हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास टेंथ में लुई स्टर्ट स्ट्रक्चर्स आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड पर बेस्ड, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में कि कैसे लुई स्टर्ट स्ट्रक्चर बनते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के और कोवैलेंट के, मैं बाद में आपको बताऊंगा। आज पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रोवैलेंट। तो यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, या इन्हीं को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और क्लास टेंथ और इलेवेंथ पे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात आज हम लोग कर रहे हैं, जब भी ये चैप्टर शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड होता है और एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। तो आप इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते क्या। व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। जब एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते थे। सिंपल आप समझिए कि कुछ नहीं करना है आपको, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। आई बात समझ, कुछ नहीं समझना है, कुछ ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, सिर्फ इतना याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम के पास जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड आते हैं न्यूमेरिकल्स ज्यादातर। तो या आप इसको कैसे बॉन्ड बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक मैं आपको देता हूं, जैसे लिख लीजिए, आपसे बोला गया कि भाई NaCl है, इसका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए। तो आप इसका कैसे, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये देखिए, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, दोनों मिलकर बने हुए हैं ये कंपाउंड जिसका नाम है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब आपको इसको क्या करना है, Na को आपको यहां रखना है प्लस Cl कर देना है। ठीक है, अब Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, आपको 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 11 यानी 11। 11 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगर इसको उसमें से चेंज करेंगे तो 2, 8, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्लोरीन का करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और 17 का करेंगे हम तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, 3p6, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, 10 और 12 और 5, 17। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 2 और इन दोनों का हो जाएगा 8 और ये हो गया 7। ठीक है, इस तरह आप कर लेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पर जो 1 आया है और यहाँ पर जो 8 आया है, ये हमारे क्या है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, तो उसको हमने क्या किया, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया। क्लोरीन के कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एक सिंबल बना दे रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आगे क्या होगा, Na एज इट इज रहेगा और Cl रहेगा, तो ये वाला तो उधर चला गया, तो एक जो गया ट्रांसफर होके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, 2, 8, 1 था, अब यहां पर बचा 2, 8 और यहां पे 1 चला गया, तो पहले क्या था, 2, 8, 7 था ना, तो एक वो चला गया तो वो हो गया 8, 2, 8, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया NaCl का।
इस तरह आप करें। इसी तरह हम और भी कई तरह के होते हैं, जैसे MgO का कर सकते हैं या BCl का कर सकते हैं, हाइड्रोजन का कर सकते हैं, नहीं हाइड्रोजन तो आपका जो है कोवेलेंट में आता है, NaCl हो गया। इसी तरह आप KCl का भी कर सकते हो। KCl में क्या होता है, जैसे दूसरा एक एग्जांपल में देता हूं, KCl आप कुछ नहीं करना, Cl है रखो, Cl यहां रखो, 287 होता है, ठीक है, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है, तो इसका जो आएगा 2881 आएगा, ठीक है, 19 होता ना, तो ये 1 आया, तो हमने क्या किया, इसको 1 को यहां रिप्रेजेंट किया, क्लोरीन में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या किया, इसको यहां पर कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई, ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, के और सीएल के पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर क्या हो गया, 288 हो गया, और इधर क्लोरीन का कितना हो गया, 288 हो गया। इस तरह जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे क्या है, पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह आप CaCl2 का देखते हैं, CaCl2, अब यहां पर देखिए क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम 1 है तो यहां रखिए Ca, Cl 2 है, एक Cl को यहां रखिए भाई और एक Cl को आप यहां रखिए, ठीक है, तो इसका क्या आता है, 287 आता है, इसका भी 287 आता है, इसका क्या आएगा, 2882 आता है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि कैल्शियम के पास 2 है इलेक्ट्रॉन, तो एक ये और एक ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होके यहां आएगा और ये वाला ट्रांसफर होकर जो है यहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहां से चलेगा, तो ये ट्रांसफर होकर जो है ये इधर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, एक इधर आ जाएगा, ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है, फिर इधर इधर साइड में जब आएंगे हम लोग, तो यहां पर क्या होगा, Ca रहेगा और Cl रहेगा, ठीक है, अब Ca के दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले गए, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, इसके साथ थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब टोटल क्या हुआ, आपने देखा कि यह वाला जो है वो ट्रांसफर होकर यहां आ गया, तो ये क्या हो रहा था, ये ट्रांसफर हो रहा था और ये यहां पर भी क्या हो रहा था भाई, ट्रांसफर हो रहा था, तो यहां पर क्या हुआ कि ये 28 हो गया, 288 हो गया और ये 288 हो गया, यहां पर 28 से यहां पे क्या था, 282 था, तो यहां पर 288 हो गया, भाई इसके दो थे, किधर चला गया, किधर चला गया, तो 288 ही हो गया, 288 हो गया, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है करते हैं। इसी में बहुत सी तरह के हैं स्ट्रक्चर्स जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, घर पर आप लगाइए, तो कौन इस तरह के आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट, बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होगा। तो स्टूडेंट इन वे मैंने आपको निकाल कर दिखाए इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, किसका निकाला मैंने, सोडियम क्लोराइड का, KCl पोटेशियम क्लोराइड का, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का, तो ये मैंने निकाल, तो आप अब होमवर्क में सॉल्व कर मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो होमवर्क में है आपके लिए होमवर्क में आप करेंगे MgCl2 का, ठीक है, MgCl2 का आप कर सकते हैं, ज्यादा मैं नहीं दूंगा परेशान होने के लिए, सिर्फ बहुत ज्यादा 5 दूंगा, CA
एच टू का लगाइए, बहुत इजी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नंबर थ्री एम जी ओ का लगाइए, और नंबर फोर बी सी एल थ्री का लगाइए, बी सी एल थ्री का, और नंबर फाइव और आप लगाइए एम जी सी एल टू सी लगाइए नेक्स्ट एन ए टू एस का, ठीक है, एन ए टू एस। तो स्टूडेंट ये फाइव मैंने आपको दिए हैं, इनको आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझको बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।